सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीआं ताज़ा खबरां रुख सब तो पहलां करांगे आई जी कुंवर विजय प्रताप दे वल्लों आम आदमी पार्टी ज्वाइन करन दीआं खबरां दे उत्ते। जी हाँ, चर्चावां ने कि साबका आई जी कुंवर विजय प्रताप जो कि एस आई टी के मुखी रह चुके ने उन्हां दे वल्लों आम आदमी पार्टी दा चपला फड़िया जाणा है। लगातार पंजाब सरकार तो नाराज चलती आ रही सी आई जी कुंवर विजय प्रताप, साबका आई जी ने कुंवर विजय प्रताप जिन्हों के वलों चर्चावान ने कि अज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, पर उन्होंने वालों इन्होंने सारिया खबरों के उत्ते हालांकि फुल स्टॉप लगा दिता गया। उन्होंने कहना है कि जेकर अजिहा कुछ हों तो मैं खुद सब तो पहला तो दसागा, अजिहे च लुक छिप के मैं कभी भी काम नहीं करता, मैं खुल के बोलने वालों के बचों हाँ। कि कुछ आई जी कुंवर विजय प्रताप ने इस उत्ते सफाई देंदिया क्या वह सुना गए, तो ही उन्होंने खास तौर के उत्ते रले मिले होने का सरकार के उत्ते इल्जाम लाया। उन्होंने कहना है कि रल मिल के जांच को रोकने की कोशिश हुई है। देखो, ये सच्चाई तो कोई उस चीज़ की गल नहीं है। जो जिस पार्टी के शामिल होना होगा असी ठोक के तो बोल देवे, बुला के कहेंगे जी, ठीक है ना जी। तो जो भी इस तरह का मन बनेगा मैं थोनों दस दूंगा जी, ठीक है। मेरा तो यही फोकस है कि मैं मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब के नाल एक बार मुलाकात करना चाहता हाँ। जो ये सारा हो जाएगा मैं चाहता हाँ कि सुप्रीम कोर्ट के विच अपील किया जाए जो ऑर्डर आया है, क्योंकि वो ऑर्डर गैर संवैधानिक ऑर्डर है। जो साडे लीगल एक्सपर्ट्स ने जो स्टडी की है वो उसनू चैलेंज करना है। मानयोग CM साहब ने भी जनतक तौर पर अपने इंटरव्यू के विच किया है कि उसनू चैलेंज करना है, तो मैं उस संबंध में एक बार मुलाकात करांगा, बेनती करांगा। तो चैलेंज करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो बाकी कोई गलबात होगी तो मैं थोनू दस दूंगा जी। उधर आई जी कुंवर विजय प्रताप दियाँ चर्चावान कि वह आम आदमी पार्टी के विचार रहे, इन्होंने चर्चावान तो बाद ही सियासत पक चुकी है, क्योंकि इस दे उत्ते वखो वखरे सियासी प्रतिक्रम आने लगे ने। इस दे उत्ते कांग्रेस के वलों नाराजगी जताई जा रही है। कांग्रेस के यूथ विंग के आगू वरिंदर ढिल्लों ने इस दे उत्ते कहा है कि वह सियासी जेकर अजिहे होंदे ने तां उन्हां दी रिपोर्ट दे उत्ते कई मंशे खड़े होणगे। हाले पता नहीं वो ज्वाइन किए नहीं किए, बट अगर वो ज्वाइन करते हैं तो फिर कितना ना कि जी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है तो मतलब उन्होंने सियासी मंशा के नाल की सी, क्योंकि जिस तरीके के लूपहोल छड़े गए थे और इन्वेस्टिगेशन च लूपहोल किसी तो भी छड़े जा सकते हैं, कोई वो गल नहीं हैगी। लेकिन अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो मतलब उन्होंने इंटेंशनली लूपहोल छड़े थे ताकि यदा सियासी लाभ लै सकन, और जो कि वो लै रहे हैं। मैं वो बारे बोल चुका वा कल, मेरे हिसाब से उही बयान के उत्ते मैं खड़ा वा। ये विरोध करते उस चीज़ का? मैं तुम्हें दस्या वा भी मैं विरोध इस गल का नहीं करता भी किसी नौकरी मिले या किसी ना मिले, मैं विरोध यह करना भी लोड़मंद बंद नौकरी मिलनी चाहिए आ, और अगर किसी मिली है तो उस बेस के उत्ते होर भी नौजवानों नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। उधर अकाली दल के आगू चरणजीत बराड़ का कहना है कि जेकर आम आदमी पार्टी के विचार रहे हैं तो साड़ियाँ कही गल्लां सच साबित हो रही ने, क्योंकि असी पहला ही कहा कि आई जी कुंवर विजय प्रताप जो कि साबका आई जी रह चुके ने उन्हों का आम आदमी पार्टी के जाने का पक्का है, तो ये सियासत के उतरन की कोशिश कर रहे हैं, इस करके अकाली दल में बदनाम कर रहे हैं। चरणजीत बराड़ ने अजिहे इल्जाम ने जो आई जी कुंवर विजय प्रताप से लाए ने। अज बिल्ली बिल्कुल थैल्यों बाहर आ चुकी है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का एको स्टैंड रहा, पहले दिन तो कहें रहे हैं कि जो कुंवर विजय प्रताप है यह सियासत कर रहा, सियासत तो प्रेरित जड़िया गल कर रहा, बार बार जो मीडिया के आके गल कर रहा सियासत तो प्रेरित कर रहा, और असि यह कहा कि किसी वेले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूंगा, और अज मैं समझदा कि सारे का सारा जो भविखबाणियां श्रोमणी अकाली दल ने कीतियां सी वो सामने आ गईयां। और असि यह भी पहले दिन तो कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल की लिखी हुई सक्रिप्ट श्रोमणी अकाली दल ते बादल परिवार नूं बदनाम करने के लिए वरत्या जा रहा सी। उस पार्टी के मुखिया केजरीवाल नाल बैठ के इहदी की सौदेबाजी तय हुई सी, किस अहुदेदारी ते इन्हें काम करना है, किस तरह इन्हें काम करना है, यह सारा कुछ आने वाले दिनों के होर नंगा होगा। और इन्हां द्वारा लिखी हुई सक्रिप्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी सूट करती सी, क्योंकि जे श्रोमणी अकाली दल जां बादल परिवार किसी तरीके बदनाम हुंदा है तां उन्हां नूं भी यह सूट करती सी, इसे करके वह भी मूक दर्शक बने रहे जदों चार अफसरां ने पंजां चों लिख के देता सी कि साडी इहदी जिहड़ी रिपोर्ट आ उहदे नाल सहमति नहीं है। तां इह अज सारे का सारा नंगा मैं समझदा कि जिहड़ा चिट्ठा है वह हो चुक्या है। गुरु महाराज की कृपा नाल पहला हाई कोर्ट च भी हो चुक्या है, ते आज बिल्कुल ही बिल्ली थल्यों बाहर आ गई कि यह सिर्फ ते सिर्फ झूठा बदनाम करने लई प्रापोगंडा जिहड़ा कीता जा रहा सी, जां बार बार आम आदमी पार्टी वालों गल्लां कीतियां जा रही सी, आम आदमी पार्टी की लिखी हुई सक्रिप्ट सी ते जिहड़ा अजकल बिल्कुल सामने आ रहा। उधर इस उत्ते आम आदमी पार्टी ने भी प्रतिक्रम दिता है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संधवा के वलों प्रैस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ के विच कीती गई सी, जिथे उन्होंने
कई खास गलों के उत्ते गलबात की है। उन्होंने उन्होंने आई जी कुमर विजय प्रताप की आप ज्वाइनिंग लैके भी टिप्पणी की है। देखो जी अरविंद केजरीवाल जी तो मुजस्मे ने ईमानदार राजनीति दे ते लोक पक्षी राजनीति दे और 2022 पंजाब दे भविख वास्ते पंजाब दे बच्चों दे भविख दे वास्ते बहुत इंपोर्टेंट है। वो इलेक्शन बहुत इंपोर्टेंट है उहदे लई ताकत लैण वास्ते जिहड़ी साडी सीट है मीरी ते पीरी दी श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होने लिए अरविंद केजरी साहब केजरीवाल साहब आ रहे हैं। माणयोग अरविंद केजरीवाल साहब एक निमाणे सेवक बन के श्री अकाल तख्त साहब तो ताकत लैण वास्ते उत्थे नतमस्तक होने वास्ते आ रहे हैं। उस तो बाद राजनीति दीआं विचारां होणगीआं गल्लां होणगीआं 2022 दी तैयारी दीआं गल्लां होणगीआं और जिहड़ी गल तुसीं पुछी आ उहदे बारे भी आपां डिस्कस करांगे लेकिन उस तो बाद करांगे क्योंकि पहला असीं नतमस्तक होणा जी। देखो जी अजकल उन्होंने बादल दल कहते हैं अकाली तो बहुत बड़ा शब्द है और उन्होंने किसी भी गल नूं पंजाबी हुण सीरीयस लेना हट गए क्योंकि उन्होंने पता लग गया भी वह तो कांग्रेस के नाल रल के 74 साल पंजाब लुट रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल यहाँ जवाब तो पंजाब के लोग ही उन्होंने दे देंगे। वो जिहड़ा बंदा सच बोलता जिहड़ा बंदा यह कहता भी तुसीं 92 लाख के इश्तिहार देते जिहड़ा बंदा यह कहता भी तुसीं वह पोशाक वाला केस वापस करा लिया इलेक्शन तो पहला उन्होंने कहें भी राजनीति ज्वाइन करूगा जिहड़ा बंदा सच बोलता उन्होंने कहें राजनीति करता तो फिर राजनीति करता ठेका कला बादल क्या को ही है या कैप्टन अमरिंदर सिंह को है। पंजाब के लोग भी राजनीति जानते हैं भुलेखे च ना रहो साडे बच्चे भी हुण कनेडा जाके मंत्री बनते हैं और इन्हों 2022 पंजाब के लोग ऐसी राजनीति पढ़ाएंगे कि इन्हों अगलिया पीढ़ियां भी पछताउणगियां भी असीं पंजाब के लोगों का धरोको कमाया असीं श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा नूं ठेस पहुँचाने की कोशिश भी किवें कर ली असीं जथेदारां नूं घरे किवें बुला लिया असीं अक्षय कुमार नाल सौदा किवें कर लिया ये 2022 दे विच दसांगे पंजाब के लोग दसणगे। तो रुक करते अगली खबर के वल लगातार चर्चावां दे विच ने दो अजिहे विधायक जिन्हां दे पुत्रां नूं नौकरियां दे वड्डे अहुदिआं दे नाल नवाजिआ गिआ है। वड्डिआं मलाईदार नौकरियां देण तों बाद खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह चर्चावां दे विच ने क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दा अपना खेमा ही विरोध दे विच उतर चुकिआ है। लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह दे फैसले दा विरोध हो रिहा है आम आदमी पार्टी दे समेत कांग्रेसी भी इसका विरोध कर रहे हैं। प्रगट सिंह ने भी इसका विरोध किया है। रुख प्रगट सिंह दे वल करांगे ते प्रगट सिंह प्रैस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं। प्रगट सिंह ने इन्हां सारियां नियुक्तियां नूं गलत ठहराया है ते अजिहे फैसलिआं नूं वापस लैण दी भी गल आखी है ते इहो जिहियां नौकरियां दे के मैं तां इस गल ते हैरान आ भी असीं की परसैप्शन क्रिएट करना चाहुंदे आ। अच्छा मैं हमेशा एक गल ते कहिंदा हुंदा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होणा दी कपैसिटी हैगी आ एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी हैगी आ। पंज मिनिस्टर्स दे अपोज करन दे बावजूद भी इस गल ते सुहिरद रहना भी मैं तां इह दो MLA नूं जिहड़ा आ उह अपने धड़े दे नाल रखना। अच्छा बेसिकली मैनूं तां ऐं लगदा इह हॉर्स ट्रेडिंग नहीं तां होर की है। अनफॉर्चुनेट कि असीं इहो जी सोच और मैं उहदे नाल नाल मीडिया नूं भी रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि लड़ाई नवजोत सिंह सिद्धू दी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी नहीं है ये लड़ाई इशूज़ दी लड़ाई हैगी आ। हौली 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 परसैप्शन की क्रिएट हो गई कि ये दो परसनैलिटीज़ जिहड़ियां लड़ रही परसनैलिटीज़ नहीं लड़ रही कोई धड़ा नहीं है कांग्रेस के क्योंकि तुम मैं पता क्वेश्चन ये करना भी वो धड़े हो गए जी इदा हो गया जी इदा हो गया ये एक क्रिएशन है। मैं तो हमेशा एक लॉजिक की गल की है हमेशा एक उन्होंने चीज़ों की गल की है जिहड़ियां साढ़े समाज नाल जुड़िया हुई होंदियां साढ़े समाज में उन्हों की जरूरत होंगी है। उधर इसका विरोध कुलवीर सिंह जीरा के वलों भी किया गया है। कुलवीर जीरा का कहना है कि नियुक्तियां वापस होनिया चाहिए ने पंजाब के लोड़वंदा नौकरियां दित्तियां जानी चाहिए ना कि जिन्हां ने पंच पंच वार दीआं MLA शिपां भुगता लईआं ने जिन्हां दे कोल MLA ते MP परिवारां दे विच ने उन्हां नूं जेकर नौकरियां दित्तियां जांदियां ने तां बहुत मंदभाग है क्योंकि असीं भी पिछली सरकार दे वांग आम लोकां दे नाल धक्का करदे साबित हो रहे हैं। ये गल्लां कुलबीर सिंह जीरा ने एक वीडियो के जरिए कीतियां ने। इहदे नाल मैं गल कहना कि अज तुहाडे बच्चों नूं नौकरी तां मिल गई आ
पर एक सियासी कतल जेड़ा इन दोवां परिवारां दा हो गया, क्योंकि लोकां ने जे सानू सवाल कीते ने ते सवाल जेड़े ने ओह इन दोवां विधायकां नू वी होणे आ। और मैं कहना कि आपां नू लोक हितां लई काम करना चाहीदा, ये नौकरी जेड़ी आ तुसी जेड़ी आ कि ये पंजाब सरकार नू वापस करो और आपदी थां ये दोवें नौकरियां एहो जे पता नहीं हजारां जेड़े साडे नौजवान साडियां भैणां साडे वीर जेड़े ने जेड़े मैडल लैके घूमदे ने दर दर दियां ठोकरां खांदे ने उन्हां लोकां नू जेड़ी आ लोड़वंदां नू नौकरी दित्ती जावे। बसपा के पंजाब प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी ने भी इस मसले के उत्ते प्रतिक्रम दिता है। जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा है कि साबित हो चुकी है कि कांग्रेस के अज भी भाई भतीजावाद चल रहा है ते लगातार अपने ही घर के नौकरियां देने तो यह साबित हो रहा कि पंजाब के लोगों का भला नहीं होएगा बल्कि अपन के भला करन दे विच तुली हुई है सरकार ते अपन का भला ही करनगे। और कांग्रेस ने नारा दिता सी वादा किया घर घर नौकरी देवे लेकिन कांग्रेस ने चोण मैनीफेस्टो के ब्रैकटा च लिखा नहीं कि नौकरी सिर्फ कांग्रसियों नूं देवांगे। और इहदा 2017 च इह तीन नौकरियां कांग्रेस ने दित्तियां, दो साडे सामने आ, तीजी नौकरी इन्हां ने जिहड़े सरदार बेअंत सिंह मुख्यमंत्री दे पोतरे और श्री रवनीत बिट्टू जी जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट है जिन्हां ने पिछले दिनी दलतां नूं अपवित्र और कुछ स्थानां नूं पवित्र दा खिताब दिता। और DSP इन्हों का नाम से गुरकबाल सिंह जिहनूं सगा भरा मानयोग रवनीत बिट्टू जी का, यह तीन नौकरियां। और कांग्रेस सरकार जो लारे लाउंदी सी इह कहिंदी सी घर घर नौकरी ब्रैकटां च लिखिया ही नहीं कि कल्ले कांग्रसियों नूं नौकरी, इन्हां ने नारा लाया वादा किया सी कि करजा कोटी खत्म करांगे लेकिन ब्रैकटां च लिखिया नहीं वो कांग्रसियों का करना। और भट्ठ बीबी भट्ठल का 84 लाख माफ़ कर दिता, इन्हां ने कहा सी दशमेश पिता दे जिहड़ा वलू हथ करके गुरबाणी मत्थे ना ला के तख्त तख्त श्री दमदमा साहब वलू हथ करके के नशे 4 हफ्तिया च खत्म करांगे ते ब्रैकटां च लिखे ही नहीं इन्हां ने कि लख तोड़ांगे नशियां दा। यह सारी झूठ की पंड है। लखां पंजाबी बेरोजगार नौजवानां नाल पंजाबी धियां पुत्तां नाल धक्का कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा धोखा किया है। बहुजन समाज पार्टी है जी निंदा करती है, पंजाब के नौजवानों को असं अपील करते हैं जदों भी असी सत्ता चाहे बेरोजगारी खत्म करन दा नौकरियां देन दा अभियान चलावांगे। और जिहड़ियां नौकरियां कांग्रेस ने कांग्रसियों नूं दित्तियां आ इन्हां नूं 24 घंटिया च सत्ता विच आ के रद्द करांगे। उधर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अज पंजाब दौरे के उत्ते आने जा रहे हैं। एक दिन दौरा पंजाब के अज अरविंद केजरीवाल का होने जा रहा। अमृतसर के पहुंचे अरविंद केजरीवाल पंजाब की 2022 की शुरुआत सियासत की कर जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की। इतने एवं चर्चावान ने कि इतने ही IG कुंवर विजय प्रताप की नियुक्ति करवाई जा सकती है आम आदमी पार्टी के, पर अरविंद केजरीवाल की पंजाब फेरी नूं लैके सियासत होण लगी है। इस दे उत्ते दलजीत सिंह चीमा ने वाटा तिखा वार कीता। देखो दौरे ते पंजाब दे कोई आवे इहदे ते सानूं रोक नहीं, हर एक दी अपनी पार्टी है, लेकिन इत्थे आ के इन्ना जरूर ध्यान रख्या करन इह गुरुआं पीरां दी धरती है, झूठ बोलन तों थोड़ा बहुता गुरेज करिया कर, जिन्नी कोई गल को कर सकदे आ उन्नी सच्ची गल करिया करन, किसी तो बेलोड़ा चुकड़ ना सुटिया कर, बाद च इन्हों पता कि माफिया मंगनिया पैंदियां। इस करके इस धरती के इतिहास के मुताबिक आके कोई चंगी गल करिया कर, कोई आवे इस करके सानू जिया नू सानू किसी दे आउण ते कोई इतराज़ नहीं है। उधर मुतवाजी जथेदार ध्यान सिंह मंड के वलों भी कल श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते जाके माफ़ी मंगी गई है। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब से माफ़ी मंगदियां कहा कि असी कांग्रेस सरकार के गलों के विच आके कौम नूं इंसाफ बेअदबियां तो नहीं दवा सके। एक बार फिर तो उन्हें कौम के नाम संदेश भी जारी किया, नाल ही सरकारां नूं चेतावनी दित्ती है। उन्होंने कहना है कि एक बार फिर बरगाड़ी का इंसाफ मोर्चा लगेगा तो बिना इंसाफ लिए समाप्त नहीं किया जाएगा। अज मैं अरदास बेनती की सच्चे पातशाह जिहड़ा छल करके मौके की सरकार ने यह मोर्चा चुकाया सी, वह जिहड़ी मूवमेंट रुकी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੁਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।